और परमेश्वर का वचन बताता है कि एरो नगर की दीवार क्या थी, वो टूट गई और वहां पर बड़ी जोर की जय की जो ललकार हुई है, जो तुरियों की ध्वनि जो बहुत जोरों से हुई है, उस ललकार ने उस वो आनंद की ललकार थी कि हमारे प्रभु ने हमें एरो नगर दे दिया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम 4थे खंड में हैं, परमेश्वर का न्याय और 7 तुरियों का परिचय। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसके 15वें पद के पहले भाग के विषय में हमने सीखा था। आज हम प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसके 15वें ही पद को और उसके दूसरे और अंतिम भाग के विषय में सीखेंगे। पहले हम इस पद को पढ़ लेते हैं। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 11:15, जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज हमारे प्रभु का और हमारे मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज करेगा। यहां परमेश्वर के वचन में जो है 15वें पद में जो बात है, 7वें दूत के द्वारा जो है 7वीं तुरही फूकी जाती है, स्वर्ग में बड़े बड़े शब्द जो हैं वो होने लगते हैं, जगत का राज हमारे प्रभु और मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज करता है। ये 4 ऐसे पॉइंट हैं जिसके विषय में हम बात करेंगे। पिछले संदेश में हमने जो बात करी थी प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसके 15वें पद में कि अंतिम तुरही जो है वो फूकी जाएगी, क्या होगा, किस तरीके से होगा, वो पद जो था या वो संदेश जो था उन विश्वासियों के लिए था, उन मसीही लोगों के लिए था जो बड़ी पवित्रता के साथ यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहे हैं, उनके विषय में उनके लिए जो था उनको समर्पित था, उन विश्वासियों के लिए, उन मसीही लोगों के लिए और उन मसीह लोगों के लिए जो बड़ी पवित्रता के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन का जो है इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये कब होगा, 7वीं तुरही के फूकने के बाद जो है प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है वो होगा। इसलिए वो पहला जो संदेश था प्रकाशित वाक्य 11:15 का, वो उन सारे मसीह और विश्वासी और पवित्र लोगों को समर्पित था। परंतु आज जो है हम इन भेदों को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में क्या बात करता है। यहां है सबसे पहले 7वें स्वर्गदूत के द्वारा 7वीं तुरही का फूंका जाना। देखिए आप ये जानते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है प्रकाशित वाक्य में ये कहता है कि 7वां जो स्वर्गदूत है, 7वीं जो तुरही है, ये अंतिम तुरही है। इसके फूके जाने के बाद क्या होता है, प्रभु का राज प्रकट होता है, नंबर एक बात। और दूसरी चीज, जो पाप में या अधर्म में जीवन बिताते हैं उनके लिए वो विनाश का दिन शुरू हो जाता है भयंकर तरीके से, और बहुत ही भयंकर तरीके से विनाश का दिन जो है वो आरंभ होता है और वो जो है वो लोग जो हैं वो दंड के योग्य ठहरते हैं जिन्होंने प्रभु के नियम का पालन नहीं किया रहा, जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी, जिन्होंने बुराई के अंदर जीवन बिताया है, जो पाप में हमेशा लगे रहते हैं, बुराई में हमेशा लगे रहते हैं, ये उनके लिए जो है बड़ा भयानक दिन होगा। प्रभु का प्रकट होना दो लोगों के लिए, एक प्रभु का प्रकट होना उन मसीही, उन विश्वासी, उन पवित्र लोगों के लिए आनंद का दिन होगा जो प्रभु की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, परंतु जो अपनी इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हैं उनके लिए सत्यानाश का और बड़ा भयानक दिन होगा। 7 वर्ष का जो है महाकलेश काल है, ये बड़ा ध्यान से समझने की बात है। कंफ्यूजन लोगों को जो है बहुत पैदा होता है। जी हां, कि प्रकाशित वाक्य जब आप 11 अध्याय 1-14 तक पढ़ेंगे तो वहां पर जो है वो 3.5 साल का जो है वो महाकलेश काल है। ये 7 वर्ष का जो महाकलेश काल है ये इसका पहला भाग है। देखिए 7 वर्ष का जो महाकलेश काल है ये 2 भागों में बांटा गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे और इस बात को ध्यान में रखकर ये जानेंगे कि फिर जो दूसरा भाग है 3.5 साल का, उसमें जो है परमेश्वर के लोगों का या दूसरे लोगों का
क्या हर्ष होगा या क्या स्थिति होगी, इन चीजों को समझना जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये क्या हो रहा है, ये अंतिम तुरही जो है फूकी जाएगी, तो वो जो 3.5 साल का महाकलेश काल है जिसमें भयंकर स्थितियां परिस्थितियों का सामना जो है कलीसिया को भी करना पड़ेगा, मसीही लोगों को भी, पवित्र लोगों को भी करना पड़ेगा। परंतु उसके बाद के जो 3.5 साल हैं उसमें क्या होगा, ये बात की बात है, क्योंकि आगे जो है जब जैसे जैसे हम प्रकाशित वाक्य में बढ़ते चले जाएंगे परमेश्वर अपने भेदों को जो है वो खोलता चला जाएगा। ये बड़ा ध्यान देने की बात है और इस पर जो है बहुत ही विशेष ध्यान देना है। परंतु एक बात पर विशेष ध्यान दें कि उन दो गवाहों के द्वारा भविष्यवाणी करने तक और इनके मरकर जी उठने तक और स्वर्ग जाने तक का जो समय काल है वो 3.5 वर्ष का है। इसलिए मैंने कहा प्रकाशित वाक्य 11:1-14 पद में जो है वहां 3.5 साल का जो महाकलेश काल जो है वो दिया गया है। परंतु 3.5 वर्ष का महाकलेश काल अभी बाकी है, ये हम आगे देखेंगे। 7वीं तुरही का प्रभाव जो है, जी हाँ, इस 7वीं तुरही का जो प्रभाव है वो प्रकाशित वाक्य 11:15 से लेकर प्रकाशित वाक्य 20:20 और उसके 15 पद तक जब हम पढ़ेंगे तो वहां देखने को मिलेगा। ये आगे जब हम बढ़ेंगे तो इन चीजों को देखेंगे, इन चीजों के बारे में जानेंगे कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जब अंतिम तुरही यानी 7वीं तुरही जो फूकी गई है 7वें स्वर्गदूत के द्वारा, तो उसके परिणाम क्या है, इन चीजों को जो है हम देखेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। फिर यहां पर है दूसरा पॉइंट है स्वर्ग में बड़े बड़े शब्द का होना। स्वर्ग में बड़े बड़े शब्द के होने का अर्थ है कि जो पवित्र लोग हैं तथा जो प्राचीन लोग हैं, प्राचीन हैं तथा जिनको परमेश्वर के न्याय का इंतजार तथा वे चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा पलटा ले, ये बड़े बड़े शब्द उनके आनंद और जय की ललकार का शब्द है। जी हाँ, यानी खुशियां मनाए जा रहे हैं वो लोग जो इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु जो है हमें कब लेने आएगा, वो इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु कब हमारा पलटा लेगा। यहां पर आप प्रकाशित वाक्य 6:6 और उसके 9-11 पद तक पढ़ेंगे तो वहां जब 5वीं मोहर जो है वो खोली जाती है तो यूहन्ना जो है उन प्राणों को देखता है जो मसीह की गवाही के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए बलिदान हो गए थे, वो वेदी के नीचे हैं और पुकार कर कहते हैं, हे प्रभु तू कब तक हमारे लहू का पलटा इन पृथ्वी वासियों से नहीं लेगा, कब तक नहीं लेगा, हमें कब तक इंतजार करना पड़ेगा। तो अब जब अंतिम तुरही फूकी जाती है और वो इंतजार समाप्त होता है तो ये आनंदित होने लगते हैं कि अब हमारा पलटा लेने का दिन आ गया, अब हमारा प्रभु जो है वो पलटा लेने आ रहा है। ये बड़ी जय के ललकार का शब्द है, ये उस शब्द के समान है जब इजरायली जो थे येरो नगर को जीतने जा रहे थे, येरो नगर पर उन्होंने चढ़ाई करी और येरो नगर की दीवार जो थी इतनी मजबूत थी कि किसी भी औजार से तोड़ी नहीं जा सकती थी। मगर परमेश्वर का वचन ये बताता है जब आप पढ़ेंगे कि उन्होंने एक एक दिन एक एक चक्कर येरो नगर के लगाए और 7वें दिन उन्होंने 7 चक्कर लगाए और 7 तुरियां जो हैं वो फूकी गई और परमेश्वर का वचन बताता है कि येरो नगर की दीवार क्या थी वो टूट गई और वहां पर बड़ी जोर की जय की जो ललकार हुई है, जो तुरियों की ध्वनि जो बहुत जोरों से हुई है, उस ललकार ने उस वो आनंद की ललकार थी कि हमारे प्रभु ने हमें येरो नगर दे दिया। और इस ललकार को सुनकर जो थे येरो नगर के जो वासी थे, जो सेना थी, जो राजा थे, वो सब भयभीत हो गए। ये वही शब्द है, ये वही गूंज है, ये वही ललकार है, ये वही जय की ललकार है जो स्वर्ग के अंदर बड़े आनंद के साथ जो है ललकारा जा रहा। मगर उन लोगों के लिए जो विनाश का कारण ठहरेंगे उनके लिए जो है भय की ललकार है, उनके लिए ये शब्द जो है भयभीत कर देने वाला शब्द है कि अब हमारा क्या होगा, अब हम कहां जाएंगे। तो यहां परमेश्वर का वचन जो है इस बात को कहता है। फिर है जगत का राज प्रभु और मसीह का हो गया। इस बात को अच्छे से समझ लें कि जगत अर्थात संसार का राज जो है प्रभु और मसीह का हो गया। क्या पहले संसार का राज जो था वो मसीह का नहीं था?
बड़ा ध्यान से समझने की बात है, इनको इन चीजों को, इन भेदों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर क्या चीज है वो समझना है, और इसलिए हम प्रभु की इन जब भेदों को समझते हैं तो हमें पता चलता है। योना 14:30 में लिखा है, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। अब यहां पर क्या करता है, संसार का सरदार, जब आप इंग्लिश बाइबल को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है रूलर, यानी शासक जो है वो शासन जो करता है, शासक जो है, राजा जो है इस संसार का, वो आता है। प्रभु कहता है मेरा उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब इस संसार का जो सरदार है, रूरल है, जो शासक है, वो आता है, शैतान जो है वो आता है। अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, पहला योना की पत्री 5 अध्याय उसका 19 पद, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। अब ये सारा संसार जो है उस दुष्ट के, यानी शैतान के हाथों में है। प्रभु का जो, प्रभु का राज है या प्रभु का जो ऑर्डर है वो शैतान के राज में भी चलता है। शैतान उस ऑर्डर को जो है फेल नहीं कर सकता है। अगर परमेश्वर ने छोड़ रखा है कि जा, तेरे हाथ में है, तू कर जो करता है, इसलिए वो परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर के वचन के खिलाफ जो है अपनी मनमानी करता चला आता है और लोगों को परमेश्वर के वचन के खिलाफ जो है भड़काता है और उन्हें खड़ा करता है। और यही हम गलत हो जाते हैं, यही हम गलती कर देते हैं। और फिर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, योना 12:31, अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार जो है वो क्या है, निकाल दिया जाता है। ये कब होगा, ये अंतिम तुर्री के फूकने के बाद है? जब अंतिम तुर्री जैसे ही फूकी जाएगी ये वो होगा। और यहां पर प्रकाशित वाक्य 11:15 में जब अंतिम तुर्री फूकी गई तो क्या लिखा है कि और वो परमेश्वर का, प्रभु का जो है राज हो गया। यहां देखिए, बड़ा ध्यान दीजिएगा यहां क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा है बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज हमारे प्रभु और उसके मसीह का हो गया है और वो युगानुयुग राज करता है। यानी जगत का राज जो है हो गया है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जगत का राज और परमेश्वर का राज दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहां पर जगत का राज का अधिकार जो है वो प्रभु के हाथ में हो गया है, मगर प्रभु यीशु मसीह ने अपना राज जो है वो स्थापित नहीं किया है। ये ध्यान देने की बात है। कहीं आप ये सोचे कि जगत का राज जो है वो मसीह का हो गया, यानी परमेश्वर का राज जो है वो स्थापित हो चुका, क्योंकि ये नए आकाश नई पृथ्वी पर जो है वो परमेश्वर का राज होगा, वो अलग है। परंतु यहां पर जो है, जो परमेश्वर का राज स्थापित होने की बात नहीं है, बल्कि यानी जगत का राज को अपने अधिकार में लेने की बात है। अब शैतान से उसने अपने अधिकार में ले लिया है प्रभु यीशु मसीह ने। अब शैतान की कोई भी चाल इसमें चलेगी नहीं, क्योंकि उसे जो है शैतान और उसके लोगों को और उसके दूतों को जो है बस परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। अब उन्हें परमेश्वर के क्रोध को जो है वो झेलना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए। और बड़ी अद्भुत बातें हैं प्रकाशित वाक्य में जो लिखा है। फिर योहन्ना 16:11 में क्या लिखा है, न्याय के विषय में, इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। देखिए मैंने क्या कहा, यहां पर क्या है कि जो इस संसार का जो सरदार है, जो रूलर है, जो शासक है, जो राजा है, जो राज कर रहा है इस समय, वो दोषी ठहराया जा चुका है और उसका दंड निश्चित ठहराया गया है। और उसके साथ में जो उसको सहयोग करते हैं या जो उस शैतान की बात को मानकर मनमानी करते हैं और परमेश्वर से दूर रहते हैं, बुराई में लिपटे रहते हैं, भलाई करने में और भले कामों को करने में दूर रहते हैं, उनके लिए वो दंड का दिन है। ये बड़े समझने की बात है। 7 वर्ष का जो महाकलेश काल है, जैसा आपने सुना 7 वर्ष का महाकलेश काल होगा, ये 7 वर्ष के महाकलेश काल का आरंभ जो है प्रकाशित वाक्य 11:1-14 में मैं बता चुका हूं कि परमेश्वर के दो गवाहों की भविष्यवाणी से आरंभ होता है। ये ध्यान करने की बात है। यहां पर जो है सातवीं तुर्री फूकने पर जो है वो एक दूसरा जो भाग है 3.5 साल का महाकलेश काल का वो शुरू। अब वो किन के लिए होगा, इस बात को जानना और इस बात को समझना
बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यानी परमेश्वर ने क्या करा है, वो सातवीं तुरी फूकते ही परमेश्वर ने इस जगत का राज्य अपने हाथ में ले लिया। देखिए, अपना राज्य स्थापित नहीं किया, जगत का राज्य अपने हाथ में ले लिया। काय के लिए लिया? न्याय करने के लिए, लोगों को दंड देने के लिए, जो उसकी बात को नहीं मानते, जो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, जो उसके नियमों का पालन नहीं करते, जो उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते, उनको दंड देने के लिए, शैतान को दंड देने के लिए उसने वो राज, जगत का राज अपने हाथ में ले लिया, उसके अधिकार में हो गया। बात प्रकाशित वाक्य की यहां खत्म नहीं होती है। यह मत सोचे कि सातवीं तुरही फूकी गई, सब एंड हो गया। पिछले संदेश में जो मैंने बताया कि वो सब कुछ एंड हो गया, ऐसा नहीं है। ये बहुत भेद की बातें हैं और इनको समझना हमारे और आपके लिए, खास तौर से उन मसीह विश्वासियों के लिए जो बड़ी पवित्रता के साथ इस पृथ्वी पर जीवन जी रहे हैं और प्रभु के आने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए हर्ष और आनंद की बात है। बल्कि इस संसार के लोगों का जो है वो न्याय का दिन जो है वो सातवीं तुरही के फूकने के साथ जो है वो प्रकट होता है। ये बड़ा समझने की बात है। वो युवान युग तक राज करता है। देखिए, परमेश्वर का राज हमेशा के लिए स्थापित होगा, हमेशा के लिए, और परमेश्वर हमेशा के लिए जो है वो राज करेगा। जैसे प्रकाशित वाक्य 11 के 15 में लिखा ना कि उसका राज जो है वो युगान युग तक होगा, वे अपना राज स्थापित करेगा इस न्याय के बाद। ये वर्तमान संसार के अंत के बाद, ये जो वर्तमान संसार है इसके अंत के बाद, इसके न्याय के बाद जो है परमेश्वर अपना राज स्थापित करेगा। आप सोच रहे होगे, फिर जो मसीह लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, जो पवित्र लोग हैं, जो प्रभु का बड़ी पवित्रता के साथ इंतजार कर रहे हैं, उनका क्या होगा? सब्र करिए, धीरज रखिए, सब कुछ पता चल जाएगा, मगर धीरे धीरे आगे जाकर, क्योंकि जल्दीबाजी परमेश्वर के वचन में जो है वह हमें नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का वचन बताता है, आप निर्गमन 15 का 18 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है यहोवा सर्वदा राज करता रहेगा। वो इसराइलियों से भी यही कहता है कि यहोवा सर्वदा जो है वो राज करता रहेगा। मैं एक पद आपके सामने पढ़ाना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है डैनियल, जी हाँ, डैनियल की पुस्तक निकाल लीजिए और उसका 2 अध्याय है। जी हाँ, डैनियल 2 अध्याय और परमेश्वर का वचन यह बताता है, उसका 44 पद है। जी हाँ, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। डैनियल 2 अध्याय उसके 44 पद में आपने अभी सुना कि उसमें परमेश्वर एक राज जो है वो उदय कर रहा है। अब डैनियल भविष्यवक्ता भी इस बात की भविष्यवाणी जो है वो कर रहा है कि परमेश्वर जो है एक राज स्थापित करेगा जो युगान युग का रहेगा। और अगर आप परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे डैनियल 7 और उसका 13-14 पद पढ़ेंगे तो डैनियल जो है प्रभु येशु मसीह के दूसरे आगमन का भी दर्शन देखता है और उसकी भविष्यवाणी करता है। तो कहने का मतलब है कि ये सातवीं तुरही जो फूकी गई है, ये डैनियल भी उस बात को एक्सप्लेन कर रहा है परमेश्वर के युगान युग ठहरने वाले राज के बारे में। और प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय को जब आपने 15वें पद को पढ़ा है तो उसमें भी सातवें सरदूत ने सातवीं तुरही फूकी और परमेश्वर का राज जो है उसकी बात हो रही है कि परमेश्वर का राज जो है वो प्रकट होने जा रहा है। परंतु इस संसार का राज परमेश्वर ने अपने अधिकार में ले लिया है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बने रहिए परमेश्वर के इस वचन में। हम देखेंगे कि परमेश्वर ने जो राज अपने अधिकार में ले लिया इस संसार का राज, उसमें अब क्या क्या होने वाला है और जो परमेश्वर राज स्थापित करने जा रहा है उसमें क्या क्या होगा। इन सारी चीजों के बारे में हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।